अरे हाँ मेरे दोस्तों ने भी ब्लैक पहना हुआ, मैंने भी ब्लैक पहना हुआ भाई, आज दोनों मैच हो गए। आ जाओ, थैंक यू सो मच। हीरा लाल एंड सनसिन का भी आते हैं। आओ इस साइड, आओ इस साइड, उस साइड दिखेगा। आज मैं चाह रहा था, पहले तो ये सोच रहा था मैं बैठ के कुछ इंटरव्यू शूट करें, लेकिन ऐसे ही आज ऐसे ही कर रहे हैं। पहले तो मिठाई खा लेते हैं यार। आपने खाई कि नहीं खाई? सर मैंने खाई, घर पे खाई। अभी भी जॉब कर रहे हो ना? किसमें क्या हो? वो रिकॉर्डिंग चालू है ना उसकी? तो अभी सर मैं वाचिंग असिस्टेंट हूँ। ओके, ऐसे तो मैं सीरियल के से भी सिलेक्टेड हूँ। सीरियल 2021 में भी सिलेक्टेड हो? जी सर, मैं उसमें काउंटर मिला। अच्छा, ये लो पहले आप खाओ यार, पहले मैंने, फिर दोनों चल जाएगी, यही रही ना। थैंक यू मेरे भाई। मैं पहले बता क्यों नहीं बना, मैं सोच रहा था डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करें, नेचुरल वाला एक्शन। मैं पहले ही, अब आपके पास आपका माइक रहेगा, वो बैठ के ना इस बार बैठने वाला नहीं कर रहे। ओके सर, अरे इधर आओ आप इधर, ये वाला है कैमरा, ये वाली है स्क्रीन। जी सर, मतलब नीचे वाले में देखना, हमने ऊपर वाले में देखना है, और इस साइड देखना है, कैमरे का लेंस है, इसमें फोकस होता रहेगा। तेरी तो हाइट मेरे से बड़ी है यार, है ना जी? बड़ी है ना, ठीक है। और शर्ट कहाँ से ली? सबसे पहले ये चेक करते हैं। सर कल जब पूरा लेके आए, पहले लेके आए? जी सर। कहाँ से? सर अपने यहाँ से जा रहा था, कृष्णानगर। कृष्णानगर? जी सर। और ये कृष्णानगर दिल्ली में या कहाँ? ये ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली में, ठीक है। और अब फॉर्मल वाला इंटरव्यू बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल वाला। और ये डालने का मन करेगा ना, ये भी डालते हैं। ओके सर। पैंट भी, घड़ी भी? नहीं नहीं। चलो भाई अब करते हैं एक एक करके सीरियस वाला। देखो भाई, इंटरव्यू को हम बहुत ही प्यारा, लाजवाब सा, नॉर्मल से रखेंगे। बैठने बैठने वाला सिस्टम करने वाले थे पहले, बट उस सिस्टम का मन नहीं किया, क्योंकि खड़ा हो गया ना, थोड़ा सा मूवमेंट होती रहती है ना, तो ज्यादा बढ़िया और नेचुरल इंटरव्यू निकल के आता है। कल भी मैं, तीन स्टूडेंट थे उनका ले रहा था इंटरव्यू, तो तीनों को एक साथ ही बुला लिया कल। वो वाला ऐसा सीन था, एक का फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक का सेकंड था, एक का थर्ड था, और बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया खड़े होके। तो इसी टाइप को इस इंटरव्यू को रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, बहुत ही प्यारा से रखेंगे। सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम शिवम। शिवम है, शिवम। थोड़ी सी जोर की बोलना पड़ेगा तब भाई। मेरा नाम शिवम है। शिवम है, ठीक है। तो कंप्लीट शिवम? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा, और कहाँ से हो आप बेसिकली? सर बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बट बचपन से काइंड ऑफ पापा यहीं शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, दिल्ली में? हाँ, मतलब फैक्ट्री में काम करते थे। ओके, तो तब से मैं यहीं पढ़ रहा हूँ। तब से यहीं पढ़ रहे हो, तो स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली से हुई आपके? जी सर। कैसे, क्या 10th 12th मतलब 11th 12th में क्या पढ़ा आपने? सर मेरे पास पीसीएम थी। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो कैसा था, मतलब पहले से तेज या कैसा चमत्कार? सर मतलब अबव एवरेज। अबव एवरेज थे, 80% कुछ थी मेरी, 80% तक था। जी सर, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में क्या किया? सर कॉलेज में मैं ड्यू में ही था, श्यामलाल कॉलेज। अच्छा, श्यामलाल से बीएससी किया था मैंने। ओके, तो मेरा पहले से ही था कि ऐसा कुछ करना है जिसमें ज्यादा खर्च ना करना पड़े, मेरे को और अच्छा बेटर जॉब भी मिल जाए। अच्छा, बेटर जॉब भी मिले और ज्यादा खर्च ना करना पड़े, तो ये था। तो तो गवर्नमेंट जॉब की किसने, क्योंकि डीयू वालों को कहा, डीयू वाले तो ज्यादातर ऐसा होता है कैट का फोकस ज्यादा रखते हैं, या तो एक्चुअली ऐसा था सर, क्योंकि मैं खुद भी डीयू से हूँ, पर हमारे दिमाग में सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब तो नहीं आती। एक्चुअली मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है फार्मर्स रिलेटेड, तो पापा फैक्ट्री में काम करते थे, तो ठीक है, पैसा इतना नहीं था कि कुछ अच्छा बीटेक वगैरह कुछ, ऐसा था कि कुछ, पहले मैंने सोचा था कि एयरफोर्स वगैरह में चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ कि मेरी एज थोड़ी ज्यादा रख गई, मुझे पता नहीं था, और पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। तो जब मैं 12th खत्म हुई मेरी, तो मुझे पता लगा कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ एक्स वाई ग्रुप देने के लिए, तो एज उन्होंने ज्यादा लिखवा दी। मेरी 99 डेट ऑफ बर्थ है, बट 98 लिख गई गलती से। ओके, 10th में। ओए, तो मुझे पता लगा कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, सिर्फ एक आधी अटेम्प्ट दे पाऊंगा, और इतना अच्छा, तो शायद नहीं हो पाता। तब तक वो यार इंटरव्यू वगैरह हाँ। सेशन है वो तो तगड़े लेवल हो गए। तो फिर मैंने, तो मैं थोड़ा परेशान था कि क्या करना चाहिए हाँ। तो फिर मैं मतलब गूगल से हेल्प ली, गूगल से देखता था कि क्या करना क्या, चाहिए क्या है, तो एक ऐसा जो मिला मेरे को SSC। तो आपने ये खुद रिसर्च किया, किसी ने हेल्प इस चीज में नहीं किया, क्योंकि फैमिली में थोड़ा ऐसा एजुकेटेड वाला नहीं है, नहीं बैकग्राउंड कोई था नहीं सजेशन देने के लिए। जी सर, यार ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा भाई मेरे, अब आप भी सुन लो। कई बच्चे पता है क्या, डायरेक्ट ही पूछते हैं, सर मैं ये कर सकता हूँ सर? भाई गूगल पे आज के टाइम में क्या नहीं है? जी सर, टेक्निकली अगर उस टेक्नोलॉजी का आप सही से यूज कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहां से आपको गाइडेंस मिली कि सीरियल को लिया जा सकता है, ऐसा लगा कि ये कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि DPSI का, बट अच्छा फिर जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ी तो मेरा वहां से, फिर मैंने सोचा आगे भी अगर मुझे यहाँ मैं करता हूँ
हाँ, तो फिर मैं आगे भी पढ़ सकता हूँ, तो आगे पढ़ सकता हूँ, फिर वो चीजें आसान लग गई जब स्टार्ट हो गई। तो पहले सोचा कि चलो एसआई भी मिल जाए, फिर लगा पहले मेरा तैयारी जो मैंने चालू करी थी वो यही सोची करी थी कि जीपीएसआई लगना है, ठीक है। और फिर इससे ऊपर की सोच कैसे बनी, जैसे धीरे धीरे पढ़ाई आगे बढ़ती गई और फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, कर सकते हो, तो फिर वो पढ़ाई समझ आ गई, मजा आ गया। इसलिए भाई मैं ना जब भी बैच स्टार्ट करता हूँ एक बार कई बार डेमो में कॉमन शेर सुनाता हूँ, मैंने कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, नहीं पता होता कई बार हमें वाकई में लाइफ कहाँ लेके जाएगी, कितना क्या है, एक बार मेहनत करने लग जाओ उससे आगे तो बनी जाएगी। सही है, ये भी भाई साहब सीख लेना, क्योंकि हर इंटरव्यू का पर्पज सिर्फ ये नहीं होता बेटा इन्होंने तैयारी सब्जेक्ट वाइज कैसे की। तैयारी से सबसे पहले जो मुझे अब तक बहुत बढ़िया आपका पॉजिटिव माइंड लगा, जहां चाह है वहां राह है, इन्होंने सबसे पहले सोची मुझे कुछ करना है, उसके लिए देखा कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जो पैसे से तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और गवर्नमेंट जो भी एक ऐसा सहारा होती है जिसमें तैयारी में आपका मिनिमम खर्च लगता है और सीधा लगते ही फिर सैलरी आनी चालू होती है, वहां से हेल्प किसके लिए, गूगल की, क्योंकि कोई नहीं था गाइडेंस देने के लिए, फैमिली में नहीं होता ना, होता है कई बार, तो मतलब सबसे पहली गवर्नमेंट जॉब आपकी है। नहीं एक्चुअली मेरे बाबा थे, ग्रैंडफादर थे, सीआरपीएफ में कॉन्स्टेबल ही थे, बट ठीक है इतनी वो भी एजुकेटेड नहीं थे कि वो हेल्प मिल पाए, तो वो वहां से इन्होंने खुद से गूगल पर सर्च किया, चीजों को पढ़ा, सब नॉलेज है गूगल का सही तरीके से इस्तेमाल किया, आगे फिर प्रोसेस चालू की एसआई बनने का सोचा, लेकिन उससे बढ़िया ये हुआ पढ़ाई समझ आई तो क्यों ना थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया जाए सर, तो मुझे लगा कि क्यों ना थोड़ा आगे भी पढ़ने अगर चांस हुआ पढ़ पाया, ठीक है, तो यूपीएससी का भी कर सकते हैं आगे। अच्छा अभी और है विचार, मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस में शायद मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं यहाँ पे लगता हूँ तो। अभी चलो स्टार्टिंग में हम भूल गए, अभी कौन सी पोस्ट आपको मिली है? अभी मेरे को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिली है, सीएसएस। CSS, okay. तो अभी उसके बाद का विचार है यूपीएससी का? जी सर मेरे है, मतलब मेरा मन है, बाकी देखते हैं जी, देख कितना मैं कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये मैं बिल्कुल यही बात बोलने वाला था कि वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, ये जरूर सोचना भाई साहब, याद रखना यूपीएससी बहुत बढ़िया है करना, लेकिन यूपीएससी आबाद करता है तो यूपीएससी बर्बाद करता है। वो कहते हैं ना किसी को अगर अपने दुश्मन को बिल्कुल जीते जी मारना है ना, तो उसको यूपीएससी का मोटिवेशन चिपका दो, वो बंदा यूपीएससी में लग जाएगा ना, वो इधर का रहेगा ना वो इधर का, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं मैंने जो फील किया है ना, वो क्या होता है नॉर्मल समाज से आप कई गुना ऊपर उठ जाते हैं, विचार इतने बढ़िया हो जाते हैं, भगवान करे आपका निकले, लेकिन नहीं निकलता ना तो बंदा दिमाग से तो यूपीएससी निकाल चुका है, असलियत में नहीं निकला, फिर वो छोटी जॉब कहो या उसको वो जॉब को हीन भावना से देखना चालू करता है। जी सर वो सेटिस्फेक्शन रखना होता है ना कि अच्छे से अच्छे की तलाश करनी है, नहीं मिला तो जो है वो बेस्ट है। जी सर ये ध्यान रखना, ये विचार बिल्कुल मत लाना, ठीक है ना, वरना तो यार जो महीने का लाख कमा रहे हैं वो भी कुछ नहीं है, जो महीने का साला 10 लाख कमा रहा है वो भी कुछ नहीं है, वो कैटेगरी में आपको नहीं आना, और एक 20,000 वाला बंदा है वो मस्त खुश है। जी सर तो उस पर रखना, ये बढ़िया पॉइंट था। और ये तो हुआ आपका कि चलो किस किस तरीके से इस तरफ में मुड़ाव आ गए। जी सर यहाँ तक आ गए, फिर गूगल पे सर्च मार लिया चलो सीजीएल की तैयारी करनी है, फिर कैसे कोचिंग का कैसे बंद? मैं सेकंड ईयर में आया था सर, तो फिर मैं सोचा कि कोचिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, बट मतलब वीकेंड कोचिंग जाता था क्योंकि कॉलेज था हमारा, तो फिर वीकेंड पे टाइम मिलता था, तो किया वो 6-7-8 महीने किया, बट इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में कैसे पता चला? सर फिर लॉकडाउन लग गया फिर। अच्छा, तो लॉकडाउन में क्लासेस लेनी थी क्योंकि प्रॉब्लम सबको आई थी उसमें, फाइनेंशियल भी तो थोड़ी ज्यादा मोटिवेशन थी उस टाइम पढ़ने की। तो सर फिर मैंने एक गगन सर का लिया करियर व्हील पे, ठीक है, मैथ्स का, मैथ्स के लिए, फिर इंग्लिश का लिया करियर व्हील पे आपका, दोनों से किया मैंने, मतलब तब हम मतलब जब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी हमारा, जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे चले गए थे, वहाँ मतलब कहाँ से एक्चुअल में कहाँ से बिलोंग? मैं यूपी से हूँ, जालौन डिस्ट्रिक्ट है। ओके, वहाँ से तो यहाँ फिर वो पापा थे तो हाँ, हम अभी भी हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे तब काम वगैरह बंद हो गया था। ओके, तो उस टाइम उस पीरियड के लिए गाँव चले गए थे, वहाँ पे ही मैं पढ़ता था ऐप से। ओके, तो फिर वहाँ से आपने धीरे धीरे तैयारी ज्यादा धीरे धीरे बेटर होती गई, बेहतर हो गई, तो ठीक है, कोरोना ने कहीं ना कहीं फायदा तो दिया है। एक्चुअली मेरे को तो काफी फायदा दिया है ना। नहीं हमारा भी अगर एक्चुअली बोले ना तो मेरा और राकेश सर का, ठीक है, हमारा आना ही कोरोना की वजह से हुआ था ऑनलाइन, क्योंकि हम वही था मुखर्जी नगर ऑफलाइन पढ़ाते थे, फिर कोरोना आया तो उस वजह से फिर हम ऑनलाइन उतर गए, क्योंकि अभी जैसे कैमरे पे चल रही है आपकी शूटिंग, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल लगता था पहले पढ़ाना, जैसा तुम्हें फील हो रहा होगा ना इंटरव्यू देते वक्त, ठीक है, कि कैसा करना है कैसा बोलना है,
वैसे बड़ा अजीब सा लगता था, दीवार पे कैमरा कटा हुआ और टंगा हुआ, मैं आया इधर कमेंट्स चल रहे हैं, मतलब गुड इवनिंग एवरीवन, चलो भाई चालू करते हैं, और चालू हो जाओ जी। ऑफलाइन में क्या, सामने बच्चा बैठा है, चलो थोड़ा सा हेल्पफुल, अब तो खैर आदत हो गई, ठीक है। बट वही चीज है, कोरोना कई बार यही होता है लाइफ में, जब ज्यादा मुश्किल चीज आती है ना, तो कुछ ना कुछ और किक कहो या और ज्यादा मोटिवेशन दो कहो, वो कहीं ना कहीं दे गया। हाँ, तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई कोरोना में, उसके बाद मैंने एक चीज और स्टार्ट करी जिससे भी काफी हेल्प हुई। मैंने मतलब यहाँ तो पढ़ रहा था, फिर जब वापिस आई दिल्ली तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग ट्यूशन एंड ऑल, तो फिर अच्छा। मैंने होम ट्यूशन पढ़ाने चालू कर दिया। अभी पढ़ा रहे हो आप? अभी तो मैं छोड़ दिया जब अच्छा। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ना, ओके, सॉर्टिंग असिस्टेंट में। अच्छा, तो हाँ सॉरी ये भी बात भूल गया, अभी तो इससे पहले भी कौन कौन सी क्या जॉब निकली आपकी? फर्स्ट एग्जाम जो मेरा निकला था CHSL 2020, जितने मैंने दिए वो सारे निकले। अच्छा, CHSL के बाद कौन सा दिया? जो भी मैंने CGL 2020 दिया था, बट उसमें मेरा नहीं हो पाया था। ठीक है, अच्छा। तो पहले आपका CHSL निकला जी, फिर आपने 20 का CGL दिया जो नहीं हुआ, फिर मैंने फोर्थ मतलब टीयर फोर के बाद बाहर था मैं 2020 वाले में। ठीक है, फिर मैंने CHSL 20 बन दिया जिसमें मेरे को CG अकाउंटेंट मिला है। ओके, एंड मतलब CHSL 21 दिया था, उसमें नंबर अच्छे थे बट मैंने DB नहीं कराया था। ठीक है, और MTS भी देता आया था मैं, उसमें मैंने मार्क्स आए हैं मेरे पर, मैंने DB कभी कराया नहीं। अच्छा ठीक है, वो मैं ऑप्शंस बनाने के लिए देता था कि ठीक है। तो फिर आपका CGL 21-22 ये निकलना सब निकलना चालू हो गया है, वो तैयारी एक बार कंप्लीट होने के बाद तो फिर तो क्या फर्क पड़ता है कोई एग्जाम में। ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छा, वो ये बात भी अच्छी आपने ऐड की कि उसके आने के बाद घर से जब वापसी दिल्ली आए कोरोना के टाइम में जी, सिलेबस करने के बाद, तो आपने होम ट्यूशन देना चालू किया। उससे मेरे को और थोड़ी ज्यादा हेल्प हुई अंडरस्टैंडिंग में मैथ्स के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मैं 9th-10th को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो बेसिक और अच्छा बेहतर होने लग गया वहां से, मैथ्स काफी ज्यादा हेल्प हुई। बच्चों को पढ़ाता था तो मैं तो और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होता था मेरे को। GS में भी हेल्प मिलती थी उससे, अच्छा टच में रहते थे बिल्कुल। कई बार ऐसा होता था कि मैंने पिछले ट्यूशन में पिछले दिन ही कुछ पढ़ाया है, अच्छा, और मैं एग्जाम देने गया हूँ वही आ गया है एकदम से। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? अगर मैं जीके का कुछ पढ़ा रहा हूँ, अच्छा ऐसा हुआ तो है, ऐसा हुआ है। जी सर, चलो ये भी है, बढ़िया है। तो ऐसा भी मत किया करो भाई, पेपर से पहले पढ़ते रहो। GS तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज है जिसको एग्जाम तक भी पढ़ते रहोगे तो क्या टेंशन वाली बात है। ठीक है, तो मैथ्स गगन सर हो गया, इंग्लिश मेरा हो गया, रीजनिंग कैसे की? रीजनिंग सर मैं खुद से ही करता था, प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता था उनसे ही करता था, जो मेरे को मुश्किल लगते थे मैं सर्कल कर लेता था उनको बार बार करता था। मेरे को रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगता था, अगर मेरे को अच्छा हाई स्कोर चाहिए तो ऑब्वियसली बात है मैथ और इंग्लिश, क्योंकि सब ज्यादा ध्यान देते हैं, रीजनिंग को थोड़ा कम देते हैं, कम देते हैं, तो फिर मैं उस पर भी उतना ही फोकस रखता था। फिर और GS का, GS का रीजनिंग मतलब प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के, और बाकी मैं जो भी हेल्प मिलती थी यूट्यूब से, जो मेरे को टॉपिक लगता था मैं यूट्यूब चैनल पे ले लेता। और जीके मैंने सारी बुकों से पढ़ा हुआ है। अच्छा, सारी किताब मतलब जीके में इंटरेस्ट दिखाया फिर तो तुमने? कौन कौन सी किताब? लूसेंट से पढ़ा है मैंने, हरिहंत से पढ़ा है, लूसेंट कर डाली हरिहंत, और फिर मैं प्रीवियस ईयर्स के जो बुक्स होती हैं तो मैं क्या करता था, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो मैं करता था, एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल डांस वाला क्वेश्चन है उसमें चार ऑप्शन होते हैं, तो मैं बाकी तीन ऑप्शन को गूगल सर्च कर लेता था, अच्छा उसको लिख लेता था, उससे काफी हेल्प मिलती थी और आगे चीजें। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया आपने प्रॉपर, ऐसा नहीं कि ये है तो चलो आंसर हो गया अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो उन तीनों ऑप्शन से भी कई बार हेल्प मिलती थी पेपर में कि इन तीनों ऑप्शन में से आ गए। ये अच्छा आइडिया दिया, वो मैं बुक पे लिख लेता था तीनों ऑप्शन के बारे में साइड में जगह बना के या फिर कहीं, ये नहीं है कि नॉलेज आपको एक ऑप्शन की तो है ही, बाकी तीन को भी जानना हो किससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ये आप कर देते भाई जी। इसमें ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट लगा, और ये वाला पॉइंट अभी मैंने इतने सारे इंटरव्यू ले लिया या बच्चों से पूछा, ये वाला पॉइंट निकल के आया नहीं किसी के सामने। अच्छा नाइस है यार, अच्छा उसे, अच्छा उससे इंटरेस्ट भी बनेगा प्रीवियस ईयर करते वक्त कि कुछ ना कुछ आप भी कर रहे हो, जैसे कोई गूगल पे सर्च मारता सर्च करता था तो उससे और भी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती थी, सिर्फ उसके बारे में नहीं और थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता था, तो वो माइंड में रहता था, मैं नोट नहीं करता था, बट कई बार ऐसा होता है जो पेपर में आया माइंड में हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा, तो उससे हेल्प मिल जाती है थोड़ा ऑप्शंस को देख के। अच्छा आइडिया भाई, अच्छा आइडिया, ठीक है तो इसको अपनाइएगा प्लीज, ये अच्छा आइडिया है आपका। ठीक है नाइस, GS का ऐसे किया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। अच्छा इंग्लिश का बताना चाहूंगा, इंग्लिश में पहले मेरे को क्या प्रॉब्लम आती थी, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच समझ नहीं आता था। अच्छा, तो जब आप ऐसा करते थे कि एक क्वेश्चन लिया आपने फिर उसको काफी देर तक समझाते सारे पार्ट ऑफ स्पीच समझ, एडवर्ब कैसे लग रहा है, एडजेक्टिव कैसे लग रहा है, उसके बाद थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन गया। उसके बाद क्लोज टेस्ट में भी वो काफी यूजफुल होता था, वो हर जगह यूज कर, मतलब फिर मेरे ज्यादा जब पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ गया तब इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझ आने लगी तब। अच्छा वो हो गया, वो चीज कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन में मदद तो ऑब्वियसली क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करती थी वो, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने में कि यहाँ पे तो एडवर्ब भी आएगा
तैयारी चालू करी तो मेरे को नहीं लगता, मैं प्रीवियस ईयर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता था। अच्छा। मैं न्यूज़पेपर में से लेता था, ठीक है, ऐसे भी लेता था, पर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम मेरे को लगा कि प्रीवियस ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही है यार 90% भी ऐसे ही करते थे कि उसमें भी जैसे प्रीवियस ईयर में ऑप्शंस दिए तो उस ऑप्शंस के लिए ऑप्शंस भी प्रॉपर मीनिंग देखते थे, वो जीएस वाली टेक्निक। नाइस, ये भी बहुत अच्छी बात है। और वो है क्योंकि वही वर्ड पावर ही तो अपनी नॉलेज बढ़ानी है, सारे अपना करके देखो। तो ये क्या, तो कैसे याद करते, मतलब कैसे सर्च करके गूगल पे पूरा प्रॉपर लिख के, गूगल पे भी सर्च करके कॉपी बनाता था उसके, मैं नोट करते थे ना प्रॉपर। एक एक पीरियड ऑफ टाइम तक मैंने कॉपी बनाई, उसके बाद मैं बुक पे लिखता था क्योंकि वो बहुत सारी। अच्छा, बहुत बढ़िया, फिर वो बुक के साइड में आप लिखते चले। भाई मेरे ये भी देख लो, बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब हर स्टूडेंट, अगर मैं कॉमन बताऊं ना, अब ये थोड़ा इन बच्चों के लिए बोल देता हूं, कॉमन बताऊं ना मेरे दोस्त, तो मैंने जितने भी आपने भी इंटरव्यूज में सुना होगा, आप कहीं भी कोई भी स्टूडेंट बताता है, वो नोट्स जरूर बनाता है, वो कैब को खुद से लिखकर जरूर चलता है। तो कई बार लिखने से एक बार होता ना, आपने कितने वर्ड, अगर आप 1500-2000 वर्ड तक भी लिख चुके हैं, उसके बाद हैबिट बन गई, फिर तो मेरे पास 5-6 कॉपी थी बनी हुई, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। फिर जो वो स्ट्रॉन्ग होगी ना मेमोरी पावर, फिर एक बार अगर आंखों के सामने से कोई चीज जा रही है, फिर आप भले ही पढ़ जीएस रहे हो, बट वो इंग्लिश में भी तो हेल्प करेगा। जी सर, क्योंकि माइंड आपका हो गया ना शार्प इतना कि चीजें देखते ही याद हो जा रही है। स्टार्टिंग में 5-6 वोकैब करने में भी टाइम लगता था, बट एक पीरियड ऐसा आया था कि एक साथ बैठ के 50-100 भी कर सकते थे और आराम से, वो याद रह रही है लंबे टाइम तक, फिर वो नहीं चलता है कि याद कर रहा हूं, रिवाइज तो करना पड़ता है बार बार। हाँ वही ना यार, ये वाला एक बार और बोल दो भाई, आपको तो पता क्या होता है, टीचर कितना ही बोले मानते नहीं बच्चे, रिवाइज तो इम्पोर्टेंट है बस भाई, रिवाइज यार इनका डायलॉग कॉमन है, सर वो कैब याद करता हूँ, भाई सब कोई नहीं है भगवान यार, रिविजन है ठीक है, जो बोल चाल की भाषा में यूज हो रहे हैं, इसके अलावा आते नहीं, तो वो कैब करने तो यूज करते हो, अगर नहीं कर रहे नहीं कर रहे रिवाइज कर लो उसको बार बार, तो भाई पागलों की तरह प्लीज रिवाइज कर लो, पढ़ लिया करो। ठीक है चलो, ये हुआ इंग्लिश में। इंग्लिश में और कोई पॉइंट अगर कुछ बताना हो आपको, आपको लग रहा हो कि इंग्लिश में एक पीरियड, मतलब एक टाइम के बाद मेरे मार्क्स आ रहे थे 45 ऐसे, 45 out of 50, बट मेरे को लगा कि अब थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो मैंने एक मतलब एक कोई ऐसा टेलीग्राम ही चैनल, टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश माध्यम करके, उस पर वो सारे एडिटोरियल के डालते हैं। अच्छा, कोई टीचर तो आपने वहां, मैं सारे पढ़ने चालू कर दिया, टाइप किया, एक्सप्लेनेशन पढ़ने चालू कर दिया, मैं 6-7 एडिटोरियल पढ़ लेता था। अच्छा। एक घंटे के अंदर, फिर मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगते थे, तो समझ मजा भी आता था उनको, वो वैसे भी करंट अफेयर तैयार हो रहा है। हाँ, करंट अफेयर से भी थोड़े टॉपिक मिल जाते थे, वो टॉपिक मिल जाएंगे, तो वो उससे अच्छा भी काफी हेल्प होती थी कॉम्प्रिहेंशन, जैसे अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया तो आपको समझना पड़ता है कि कहना क्या चाह रहा है पैसेज, तो उससे काफी हेल्प मिलती है। तो भाई ये दूसरा अच्छा पॉइंट है कि अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए, रीडिंग जितनी ज्यादा इंटरेस्ट लोगे ना, जितना मैं अभी तक आपका इंटरेस्ट देख पाया ना कि रीडिंग में आपका इंटरेस्ट है, मेरे को काफी मजा आता था, आने लगा था रीडिंग करने में, मैं कई बार 1-1.5 घंटा भी कर रहा हूँ रीडिंग, क्योंकि वो क्या मेरी इतनी अच्छी हो चुकी थी, दो लाइन पढ़ रहे हो, 4 नए शब्द मिल गए, वो इरिटेटेड स्टार्ट हो जाओगे आप, वो कैब होने के बाद तो रीडिंग अच्छी लगी। वो कैब में उसमें से नोट नहीं करता था, मैं मीनिंग देख लेता था उसका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो वहां से आ रही है उसके बहुत कम चांसेस है आने। अच्छा, नोट नहीं किया मैंने, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ एक बार लाइन जो क्या मतलब देना चाह रही है वो समझ लेता था, बस नोट नहीं किया, नोट कर मेन जो वोकैब है वो प्रीवियस ईयर की है, उसमें अगर कर लेते तो 99% चांस है भेड़ी जाएगी सारे वोकैब, तो भाई प्रीवियस ईयर वोकैब का दो, तो पता है आप सबको ध्यान रखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। अब मैथ्स में क्या कुछ खासियतें? सर मैथ्स में मैंने गगन सर का कोर्स लिया, सीजीएल 2020 मैं देखा है, प्री में भी काफी अच्छा स्कोर था, पर मेरी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से मेरा वही मैं जानना चाहता हूं, मेंस में मेरा अच्छा स्कोर नहीं हुआ, 120 मार्क्स आए थे मेरे, उसके बाद मेरे को लगा मैथ्स में मुझे कुछ करना पड़ेगा, फिर पहले तो मैं सर की शीट्स करता था, वो भी कंटिन्यू रखी मैंने, बट उसके साथ मैंने ऐड किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, वो तो है ही, और फिर मैंने रोज आधे घंटे एटलीस्ट कैलकुलेशन पे ध्यान देना चालू किया। अच्छा, कैलकुलेशंस पे मैं क्या करता था, एक नंबर लिख लिया रैंडम कोई भी, उसमें 15-20 डिजिट होती थी, टेबल मैं याद करता था पर इतना फ्लुएंटली याद रहती नहीं थी वो, तो मैंने क्या किया जैसे 21 से लेके 25 तक टेबल लिख, मतलब मैंने नंबर लिख दिया साइड में और एक बड़ा सा नंबर लिखा, उनको सबसे उस नंबर को सारी टेबल से मल्टीप्लाई करता था, जैसे मेरे लिए 6 4 7 8 9 10 9 7 4 ऐसे नंबर आ सकते हो, जैसे मैंने कुछ भी नंबर ऐसे रखना पड़ेगा आपको,
ऐसे रख के, मतलब हाथ ऐसे रखना है और जैसे आप बोल रहे हो कैसे, ठीक है फिर तो ऐसे लिखना है कोई भी नंबर, ऐसे लिखना आएगी नहीं राइटिंग क्योंकि स्टार्टिंग में ना बोर्ड पे बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे कोई नंबर लिया, मैं यहाँ पे लिखता था 21, ओके मैंने 40 तक किया मैक्सिमम, और जो 23, 22 और फिर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता। अच्छा तो इससे मैं काफी इससे कैलकुलेशन, मेरे को पहले मेंसुरेशन में बहुत डर लगता था। अच्छा 2020 में मेरे साथ ऐसे ही हुआ, जो कैलकुलेटेड क्वेश्चन थे उनमें काफी मैं डर गया, नर्वस हो गया, जिसकी वजह से मेरा पेपर खराब हो गया, क्योंकि नॉलेज तो मेरे को थी उस टाइम भी। बट फिर आपने ऐसे करके अपना आइडिया से कैलकुलेशन, फिर मेरे को मेंसुरेशन में मजा आता था कि ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, मैं पॉइंट्स में ही आंसर निकालता था फिर, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। तो दिन का आधा घंटा आप ऐसे स्पेंड करते थे मैथ्स में, और भी चीजें अगर ऐसे आप बताओ, जैसे मैं ऐसे लिख लिया, कोई भी नंबर रैंडम से, ठीक है ऐसे 10, 12, 15, 20 तक भी गया हूँ, फिर इनको ऐड करा टाइम के साथ, टाइम दिखता था कितना टाइम आ रहा है, थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने 3 डिजिट भी किया उसको भी, बहुत वो 5 ही नंबर तक किया, बट मैंने वो इतना नहीं किया क्योंकि पेपर में इतना ही तक आते हैं। नाइस, अच्छा आइडिया है, मतलब यहाँ से टाइम देखता था कि जितना फास्ट हो सके फास्ट हो सके। तो मेरे एक्चुअली मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी पूछने लगे थे, सर इतना फास्ट कैसे करते हो आप, तो फिर मैं उनको करके दिखाता था, वो मुझे टाइम देते थे कि सर इतने में करना है। बहुत बढ़िया, ट्यूशन से काफी तो पढ़ाने से बहुत वही ना, जब बच्चों को पढ़ाया तो पढ़ाने में इंटरेस्ट भी बना, और वहां से बहुत सारी चीजें जब आप दूसरे को समझाते हैं ना तो खुद बहुत ज्यादा कुछ समझ जाते हैं। और उससे एक चीज और थी कि मेरे प्रेशर भी कम रहता था, अच्छा कमा लेता था थोड़े पैसे, तो फिर मैं प्रेशर फील नहीं करता था पेपर में जाते हुए, या फिर नर्वस नहीं होता था। अच्छा, ऐसा आपको पता है क्या लगा हुआ, साइकोलॉजिकली अगर देखें तो आपको लगा होगा आप कुछ प्रोडक्टिव करने लग गए हो। एटलीस्ट मैं कुछ कहां, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, डिपेंडेंट नहीं हूं, और कहीं ना कहीं परिवार को सहारा मिल रहा है, वो पॉजिटिविटी एनर्जी ला ही देती है। तो एक्चुअल अगर तुम समझ पाओ ना तो मोटिवेशन यहाँ से अच्छा खासा मिला होगा फिर आपको। जी सर, फिर पढ़ रहा है ना बंदा तो सोच रहा है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, खाली पढ़ते पढ़ते ही बच्चा कई बार दिमाग में आ जाता है यार कहीं परिवार पे बोझ सा बनता जा रहा हूँ, और लाइफ इतनी फास्ट हो गई है आजकल बंदा कि कैसे परिवार किस वक्त तक साथ दे। फिर फैमिली भी अंडरस्टैंड करने लग जाती है कि बच्चा कर रहा है और पढ़ रहा है, पढ़ाई के साथ। मैं सुबह जाता था लाइब्रेरी 7 बजे, सुबह जाता था लाइब्रेरी, वहीं मैं लाइब्रेरी में बैठता था, और मैं लाइब्रेरी वहीं ढूंढ रखी थी जहाँ मेरे होम ट्यूशन थे, उनके पास ही मैं 3 बजे निकल जाता था, 6 बजे तक मेरे ट्यूशन चलते थे, फिर मैं वापस आ जाता था, थोड़ा 1-2 घंटे और पढ़ता था। अच्छा, तो पूरे दिन, एक दिन में पढ़ते कितनी देर थे? सर डिपेंड करता पेपर कितना पास है। अच्छा, एवरेज निकाल लेते एक दिन की। अच्छा, पेपर के पास, पेपर के बाद पहला फेज है, पेपर थोड़ा दूर है, दूसरा फेज है, और तीसरा फेज मान लेते हैं पेपर 2 महीने बाद है। सर ये दोनों फेज सेम है। अच्छा, ये दोनों सेम है। ये 1-1.5 महीने पहले का पीरियड है, एक डेढ़ महीने तो कुछ भी हो सकता है। कि फिर मैं क्या जैसे मैं सीजीएल 2020 की बता 2022 की बताता हूँ, 21 में मेरे मार्क्स थे 514। फिर मेरे को लग रहा था कि कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, बट मेरे को 40 मार्क्स मिले टीयर 3 में। आई वॉज वेरी डिप्रेस, मेरे को सीजी अकाउंटेंट मिला था, पर मेरे को चाहिए था 4600 चाहिए था दिल्ली में, मेरे को ज्यादा खुशी नहीं हो रही, मतलब खुश था मैं, बट मेरे को 4600 चाहिए थी। अच्छा। उसके बाद मैंने 1.5 महीने अपने आप को लॉक किया, मैं 14 आवर भी पढ़ा होगा। अच्छा। कि मेरे को पता था क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है सॉर्टिंग असिस्टेंट, आई डोंट नो कितना टाइम मेरे को मिलने वाला है उसके बाद। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये शायद लास्ट चांस होगा मेरे को 4600 पाने का, क्या पता, मुझे नहीं पता था कितना टाइम मिलेगा। बट अभी फिर आपने, फिर मैंने काफी मेहनत करी उसके, 14 घंटे भी चला गया होगा, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। इसलिए भाई साहब वो फालतू की बकवासबाजी की मोटिवेशनल वीडियोस मत देखा करो, पढ़ाई होती है भाई साहब 14, 15, 16 घंटे ही पढ़ना पड़ता है। कई मैं नीचे बकवासबाजी देख लेता हूँ ना, 14 घंटे भाई साहब यूपीएससी थोड़ा निकालना है, ये साल किसने डिसाइड किया कि 14 घंटे पढ़ के यूपीएससी निकलता है? भाई साहब कोई भी पेपर हो उसमें पढ़ना आपको प्रॉपर ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, और अब लाखों में है स्टूडेंट, करोड़ों में तैयारी कर रहे हैं भाई अब तो। सर एक चीज और होती है कि लाइक मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है कि मेरे को ज्यादा पढ़ना है, कोई बच्चा हो सकता है जो कम पढ़ के भी कर सकता है। मैंने कोई काफी देखे हैं जो कम पढ़ के भी निकाल के भी निकाल, मेरे को मेरी स्ट्रेंथ पता है कि मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो बकवासबाजी में नहीं पढ़े ना आप, दूसरों को क्यों कॉपी करना है भाई, जब इनको मुझे पता है इतना पढ़ और सेफ चल रहे तो ज्यादा नहीं पड़ेगा यार अंदर। मेरे को पता है कि मैं इतना पढ़ूंगा तो शायद मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे को इतना ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने 8 घंटे, मैंने भी देखा अपने सामने, जिन्होंने मेरे से काफी कम पढ़े हो गया उनका भी, ठीक है वो उनकी स्ट्रेंथ है। क्यों, हाँ वो एग्जैक्टली, देखो बहुत बढ़िया यार, मतलब अच्छी बात है, बोलना सीख गए तुम्हें मैच्योरिटी वाले। कहाँ से आई, कौन सा फ्रेंड सर्कल?
सर मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉलेज में ही थे सारे दोस्त जो तैयारी करने लगे तो सारे ठीक है। अच्छा सारे ही तैयारी करने लगे थे। एक दोस्त है मतलब उसके ही मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है कपिल कपिल हाँ 2021 में उसको सीएसएस मिला। अच्छा मुझे ऐसा लगता है वो मेरे से काफी कम पड़ता है, उसकी 900 रैंक आई है। अच्छा 21 में हाँ एक्चुअली ये था कि मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है तो उसको मेरे 540 नंबर थे, मेरे को 40 मिले और उसको 66 मिले तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे भी चाहिए, हम दोनों साथ ही पढ़ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है वो कम ही पढ़ रहा है मैं ज्यादा ही पढ़ रहा हूँ तो फिर मेरा कुछ और ज्यादा मोटिवेशन बढ़ गया। ये तो होता है यार, साथ पढ़ रहे हैं सेम कर रहे हैं ये ज्यादा नंबर कैसे आ रहे हैं। टीयर थ्री का कुछ था। अच्छा भरोसा कि भाई क्या है, सीजीएल सीएचएसएल 2020 में मेरे को 76 मार्क्स मिले थे बट सीजीएल 21 में जब मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट 55 मिल जाए तो मेरे को एक डिसेंट पोस्ट मिल जाएगी तो वहाँ मुझे 40 मार्क्स मिले। बढ़िया यार ये। अच्छा पॉजिटिव माहौल बना रहे तो वो भी तो फायदा तो होता ही है। ठीक है नहीं फ्रेंड सर्कल का भाई बहुत अच्छा, इसलिए मैंने बोला ना जो विचार है बातें हैं ठीक है बहुत सुलझी हुई है आपकी। अच्छा है नाइस बहुत बढ़िया। और एक कॉमन क्वेश्चन जो सबसे पूछता हूँ मैं या पूछा है बता, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्जर्व करते हो और आप अच्छा बोल रहे हो मुझे लगा है आपने किया होगा, किसी ऐसे स्टूडेंट का जानते हो जो इसका नहीं हुआ है तो क्या लगता है आपको उसका क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज के टाइम सब है, कोचिंग है, नोट्स है, सब आ रखा है, क्या लग रहा होगा कि क्या गलती। सर थोड़ा तो अपने अंदर रहता है मेरे को, मतलब मेरी लाइब्रेरी में कुछ बच्चे हैं और फिर नॉर्मल रूटीन जैसे जो कर रहे थे साला फितरत वही है वो कुछ पल के लिए बदली। जैसे लाइब्रेरी में आए 3 घंटे बैठे, 2-3 घंटे बैठे, फिर गए लंच रूम में 2 घंटे वहां बिता के आए फिर वापस आए, तो मेरे को ऐसा मैंने कहीं देखा है कि होता है खुद में कमी होती है थोड़ी मतलब। और जैसे कि जैसे मैं बताता हूँ 2020 में जैसे मेरा सीजीएल खराब हुआ तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को चेंज करनी है चीजें, मैथ्स में मेरे को मार्क्स लाने पड़ेंगे अदरवाइज मेरा नहीं होगा, और इंग्लिश में भी ऐसा ही था, मेरी बहुत स्कूल टाइम काफी वीक थी, मैं धीरे धीरे करके बढ़ाई है तो मेरे को लग गया कि मेरी गलती है, मैंने खराब किया है, मेरे को इम्प्रूव करना है तभी अच्छा हो पाएगा। तो मैंने कुछ बच्चों को देखा वो गलती नहीं मानते अपनी, बहुत बढ़िया गलती नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनकी ये गलती है, इसकी वजह से हुआ है, सिचुएशंस को दोष देते हैं, मैं बीमार हो गया था या कुछ भी, वो है बहाने हैं मतलब ना करने के बहुत सारे। तो यार ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला तो भाई साहब प्लीज। और मैंने पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा है क्योंकि ये मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना वो लाइब्रेरी हुआ कहाँ वो स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया ऑब्जर्व कर लेता है कि ये क्या क्या गलत हो। भाई कॉमन मिस्टेक जान लेना, जिनका नहीं होता कॉमन मिस्टेक होती है, हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी सर कि हमें क्या प्रॉब्लम है, टॉपर नहीं बता पाएगा हमको, इम्पॉसिबल अपने हिसाब से बता पाएगा, हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी क्या हमें कमी क्या है या नहीं। तो भाई सिंपल है, किसी के लिए MTS भी UPSC के समान हो सकता है, अपने हिसाब से पढ़िए, आपके लिए कितने आवर्स आपको लग रहा है सफिशिएंट है, जब तक नंबर नहीं आ रहे, जब आप 90% प्लस नहीं जा रहे हो मॉक टेस्ट में तो काम करना अपने ऊपर स्टार्ट कीजिए। और हर सब्जेक्ट हर स्टूडेंट का करने का एक अलग स्टाइल होता है, वो स्टाइल पहचानिए आपके अंदर क्या है। इन्होंने इंग्लिश इंप्रूव किए तो उन्होंने देखा कैसे करूं, इन्होंने मैथ्स इंप्रूव किया तो कैसे करूं कहां गलती कर रहा हूं, जीएस अपने हिसाब से कर रहे हैं, रीजनिंग अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैथ्स अपने हिसाब से कर रहे हैं, इंग्लिश अपने हिसाब से, वो अपना हिसाब भी ढूंढिए। टीचर ने कुछ भी कराया करा दिया ठीक है, आपका स्टाइल अपना क्या है, ठीक कह रहा हूं ना मेरे हिसाब से, कि वो अपना स्टाइल जब तक नहीं मिलेगा ना आपको, आप किस हिसाब से जा रहे हो तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है ये भी सीजीएल 2020 में मेरी एक कमी ये भी थी कि मैं मॉक को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता था। अच्छा तो उसके बाद मुझे लगा कि मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो मैंने उसके बाद मॉक काफी दिए सीजीएल 2020 में, मैंने 2022 में कम से कम 50 मॉक दिए होंगे, 50 मॉक दिए, इसमें मेरा मोस्टली 97 96 98 तो दिन का एक मॉक टेस्ट पेपर से 2 महीने पहले लग गए हो गया या दिन के दो भी दिए? नहीं दो नहीं एक काफी, एक काफी है नहीं नॉर्मल भी एक ही है क्योंकि दूसरे में तो मेरे को ऐसा लगता था कि जो कमी है वो पढ़ना भी है मेरे को, कमी जो भी लग रही है मुझे, ये ना हो कि भंडारा लगा दिया मॉक टेस्ट की तरह, एनालाइज हो नहीं पा रही है चीजें। ठीक है नाइस भाई साहब, ये भी कॉमन सभी टॉपर्स के निकल के आ रही है बातचीत कि मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट आप लोग हैं उसको इंक्लूड कीजिए। और कोई अच्छा पॉइंट आप ऐड करना भूल रहे हो? ओवर नहीं करना है मॉक को, ठीक है एक दे रहे हैं, मेरे को लगता है जैसे हो सकता है किसी को 2 ज्यादा सूट करता हो, 2 तो मुझे भी खुद ही मतलब हो सकता है, पर मुझे जो तक कि आप 2 दिन में भी एक देंगे काफी लगता है मुझे एग्जाम के पास आके, एक काफी। और हाँ सर एक एग्जाम निकालने के लिए हमारे पास कई बार नॉलेज होती है, जैसे मैंने बताया 2020 में मेरे पास नॉलेज थी, कुछ चीजें रह गई थी जो मैं नहीं कवर कर पाया था, ऐसे ही
जब मैंने तैयारी कर ली थी लॉकडाउन में, तो मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, तो मैं सोच रहा था CHSL 19 जब मैंने दिया कि ये मेरा निकलना चाहिए, बट मैंने इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया अपने ऊपर कि मेरे उसमें मार्क्स ही नहीं आए। अच्छा। मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे मेरे से, इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर। तो एक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको मैनेज करना आना चाहिए। एक मैं काफ़ी मानता हूँ विराट कोहली को, तो उनने एक चीज़ कही थी, मैंने उसको काफ़ी फॉलो किया इस बार। वो बोलते थे जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए 2014 के, तो वो बोलते थे कि मैं मन में मतलब दिमाग में खेल रहा होता था जॉनसन को। ओके। तो मेरी रीजनिंग में काफ़ी गलती हुई या कहीं भी गलती हो जाती थी, ऐसे भी मिस्टेक्स। तो जब मेरा 2020 का एग्जाम था, उससे 3-4 दिन पहले मैं रात को सिर्फ ये कर रहा होता था कि मेरे को आराम से करना है, तेज करना है, बट गलती नहीं करनी है। मैं माइंड में एग्जाम दे रहा होता था। अच्छा। वो चीज़ मेरे को उनकी बहुत पसंद आई थी। वो काफ़ी मैंने किया 3-4 दिन पहले। मैं रात को सोचता था कि गलती नहीं करनी है, सिली मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी है, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है। वो अपने माइंड को समझा रहा था, मैं प्रेशर नहीं लेना है, अगर नहीं होगा तो फिर अगली बार भी देंगे, तो आराम से देते हैं। ओके। तो भाई मतलब दिमाग में पहले पेपर जरूर निकाल लेना है। हाँ, मैं माइंड में रिपीट करे जा रहा था उसको कि क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे जाना है, कैसा मेरा अप्रोच रहना चाहिए। तो बंदा जब पेपर से पहले फिर अप्रोच पे काम कर रहा है, अगर वो ये नहीं सोचेगा तो फिर खाली दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही घुसेगा। नहीं, अच्छी बात है और अच्छा बोला है कोहली ने। ठीक है, देखो वो तो खैर बंदा है यार एक्सेप्शन, क्योंकि आप फेमस हो जाओ तो होता है ना, ग्रेटेस्ट बन गए आप और ग्रेटेस्ट बने रह गए, दोनों बातें अलग अलग हैं। कि ग्रेटेस्ट बने फिर नीचे गिर गए, बने रह गए, इतनी कंसिस्टेंसी है विराट की तो ऑब्वियसली है सर, बहुत बढ़िया। चलो ये एक और बहुत प्यारी प्यारी आपका, तो मुझे लग रहा है सारे इंटरव्यू डलवाना पड़ेगा, लग ही नहीं रहा कोई कुछ बच्चे के लिए इकट्ठे। ये हो गया हमारा, रिकॉर्डिंग चल रही ना इसमें, नहीं बिंदास है। ठीक है, और कोई पॉइंट तो नहीं रहा सर? मेरा एक दोस्त आया जो अभी तैयारी करना चालू कर रहा है। अच्छा। अभी आपके कोर्स से ही पढ़ रहा है। अच्छा। तो मिलना चाहेगा वो आपसे। अच्छा यार, उसको फिर इसी में इंक्लूड करा दें इंटरव्यू में, मैं बुला देता हूँ। एक सेकंड, बस एक मिनट आ गया, फिर आइए आ रहा हूँ। अरे स्वाति, इनका एक फ्रेंड आया होगा, बुला दो उसकी इंग्लिश थोड़ी अभी वीक है, पर वो आपसे पढ़ रहा है। अच्छा, काफी मानता है अभी। चालू कर, हाँ बुला दो, ये बुला दो, वो भी मिल लेगा। तो आपसे एज में छोटा है बड़ा है? हाँ, तो मतलब छोटा है, काफी छोटा है। अच्छा। 2-3 साल छोटा है, तो मेरे से पूछता है, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है, ये दुआएं मिलेंगे आपको। नहीं अभी चल रही, कितनी देर की हुई दीपक चेक करना रिकॉर्डिंग? पूरा स्टाइल में रहने लग गए बच्चे। अच्छा, नहीं मजाक कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन चल रही है अभी? कौन से कॉलेज में? अभी सोल से कर रहा हूँ, सोल से। अच्छा ठीक है, और 12th तो सर आर्ट से ही करी थी। ठीक है, बढ़िया बिंदास। तो अभी कोई पेपर ऊपर दिया कि अभी नहीं दिया? सर अभी तो CHSL का दिया था। अच्छा। बस वो तो ऐसे ही गया था। बढ़िया नहीं गया? नहीं। तो बिन तैयारी गया था? हाँ। बिन तैयारी क्यों गया था फिर? सर अभी तो मतलब ग्रेजुएशन का भी चल रहा है ना, अभी एग्जाम भी चल रहे हैं। अच्छा, तो फिर ग्रेजुएशन करने से पैसा तो मिलेगा ही नहीं? वो तो है यार, 7 साल लौटे, खुद पढ़ा रहा है, वो पढ़ भी रहा है, वो है, इतने पॉजिटिव दोस्त है साथ साथ, तो भी अपना कुछ ना कुछ लग जाए साथ साथ। सर बस ग्रेजुएशन होते आपका कोर्स ले रखा है, वो जो स्पेशल 100 वाला है। हाँ। वो शिव भाई ने बताया था। अच्छा। जब से वो चल ही रहा है, चल रहा है, सीरियसली चल रहा है ना, सीरियस रहना भाई साहब, क्योंकि अगला इंटरव्यू फिर तेरे साथ ले, मजा आएगा बातचीत में बहुत है। अभी देखोगे ना, जैसे बाहर हमारा सारा स्टाफ बैठा हुआ है, इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स ही है जो टाइपिस्ट है, ठीक है, या जो मॉक टेस्ट वगैरह बना रहे हैं या चीजों पे काम कर रहे हैं, सब यही। और तो कॉलेज के साथ साथ कर रहे हैं तैयारी, तो इतनी बड़ी बात है नहीं। और SL के कौन से पेपर चलते हैं, वो एक महीना 1.5 महीने की तो कहानी होती है भाई। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? सर बिजनेसमैन है, साथ में बिजनेस करता है। मैं भी सभी तो सोचो कौन सा बिजनेस चल रहा है सर। नहीं वो तो शॉप है ऐसी खरीदी, तो कभी कभार बैठ जाता हूँ, वैसे ज्यादातर नहीं बैठता। तो अंकल जी क्या क्या? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे? वो ज्वाला नगर शाहदरा। अच्छा, मतलब घर के पास ही है, ग्रोसरी स्टोर है। चलो फिर आएंगे भाई। बढ़िया, साथ साथ बिजनेस, तो बिजनेस के साथ। बट क्या बिजनेस पसंद है कि जॉब पसंद है? नहीं सर, जॉब ही पसंद है भाई साहब। देखो बिजनेस में कुछ नहीं है, ये चांदनी
रहते हैं वो ये रील्स में ही दिखती है, ये बकवासबाजी वाली बात है ना कि बिजनेस आया करोड़ों छाप दिए कमा दिए सुखी जिंदगी टेंशन फ्री, देख रहे ना भाई ठीक है चलो बढ़िया है। तो मेरे दोस्त इस और तो कोई पॉइंट भूले नहीं हो ना तुम जो इंक्लूड करना हो या बताना हो? ठीक है भाई मुझे बहुत वाकई में बहुत बढ़िया लगा इंटरव्यू। और कंप्लीट नाम क्या था आपका? शिवम शर्मा। तो शिवम ने भाई बहुत प्यारी प्यारी बातें आपको बताई हैं, उनको याद रखिएगा ठीक है। और मुझे अपने जितने भी इंटरव्यूज हैं उनमें से ठीक है ये कहो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ये सेशन लगा जो करीब करीब अभी 40 मिनट हो ही गए और इसको कुछ कट नहीं करवा रहे हम, सीधा डलवा रहे हैं हल्की सी स्पीड बढ़ा के। आपने पूरा इंटरव्यू देख लिया होगा अगर आप यहां तक पहुंचे हो ठीक है, तो प्लीज पढ़ लीजिए मेहनत कर लीजिए। सिलेक्शन का एक ही है कि मेहनत, जो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ कि आप कोचिंग कर रहे हो कहीं भी पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट है उसको याद रखिएगा। और एक अपना लहजा, आप कितनी देर के लिए पढ़ने हैं, अपने लहजे से पहचानिए अपने आप को कितनी देर के पढ़ने के लिए आपको जरूरत है। हेलो एवरीवन, आज है हमारे साथ शिवम जिन्होंने रैंक 340 पाया है सीजीएल 2022 के रिजल्ट में और एक बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू ठीक है इनका मैंने लिया है। बहुत गजब का बोलते हैं, बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करते हैं ठीक है। और लॉकडाउन में पढ़े थे ना, लॉकडाउन में इन्होंने अपनी तैयारी चालू की थी, बहुत बढ़िया बढ़िया तैयारी करने के बाद सारे एग्जाम्स इन्होंने निकाले हैं, कौन कौन से कैसे की तैयारी ठीक है, किस तरीके से जब ये डिमोटिवेट हुए तो खुद को मोटिवेट किया, मतलब पूरी की पूरी बहुत ही गजब की जर्नी जिसको मैंने बहुत बढ़िया से इंजॉय किया है। क्योंकि ये जो इंट्रो है ये हम बाद में शूट कर रहे हैं, पहले जो इंटरव्यू है वो ऑलरेडी हम शूट कर चुके हैं तो वो आपको देखना है पूरा, और 35-40 मिनट्स का है, कंप्लीट देखिएगा डबल स्पीड पे लगा के, आपको बहुत मजा आने वाला है ठीक है। आशु इंट्रो में क्या करना, अच्छा हाँ एक और चीज जो हम भूल गए थे इसलिए इंट्रो बाद में शूट किया हमने, बाद में शूट करें इंट्रो। आज शिवम का बर्थडे भी है भाई ठीक है।